जहाँ अगर मैं स्टेज पे रोई थी तो मैं उस समय को लेकर रोई थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अरमान जी को छोड़कर, और वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था। वो समय हमारे लिए इतना कठिन था कि उसको याद करके उस पल को हमें रोना आता है। तो बस वही जो चीज है ना, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा अरमान जी का और कृतिका का प्यार जो है वो अटूट है, वो किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो चीज हुई वो हुई, उस चीज को आपको अब भूलना पड़ेगा, और ये जो सच है ये आपको जानना पड़ेगा कि हम लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो गाइस, फिलहाल मैं आई हूँ मॉल में क्योंकि कल है मेरा मीडिया इंटरव्यू। तो भाई, घर से निकलते हुए मैंने तो पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी थी, और हमें बोल दिया गया था कि जितने भी नॉमिनेट हैं वो लोग अपनी पैकिंग कर लो, पर मुझे विश्वास था कि मैं नॉमिनेट नहीं हूंगी, पर पता नहीं कैसे मैं नॉमिनेट हो गई। कल के इंटरव्यू के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ कपड़े लेने, थोड़ा बहुत मेकअप ले लें, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम इतनी सारी मीडिया जो है उनके रूबरू होंगी और वो मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करके जाना बहुत जरूरी है। तो मैं आ चुकी हूँ, और ज़ारा मैंने देख लिया है, ज़ारा में मुझे एक ही चीज पसंद आई थी, वो मैं साइड पे रख के आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ H&M। और एक बात और बताना चाहूंगी आप सबको, घर का माहौल ना बहुत ही ज्यादा अजीब लगा मुझे। कुछ लोग जो थे वो बहुत ही दिल के साफ थे, नाम नहीं लूंगी अभी, आगे आगे ब्लॉग्स में ना अंदर के लोगों के बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि अभी टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ। मेरे इंटरव्यू से आधी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आधी चीजें मैं क्लियर करूंगी आपको। तो भाई, हम यहाँ पे मॉल में हो गए हैं घूम, तो हम वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे धीरज भैया आए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे निकलने के बाद ना सबसे पहले हमारे मैनेजर को कॉल किया गया, तो भैया ने बोला कोई टेंशन नहीं है, तो भैया आ गए और थोड़ी सा सपोर्ट मिला। बहुत ज्यादा होटल में बहुत ज्यादा रोई, मैं तो रात को ही उसी टाइम आ जाता जब फोन आया था, तो उस टाइम की कोई फ्लाइट नहीं थी, मैं तो बैठा था कि मैंने बोला विजेंद्र भाई को कि जो अभी सबसे पहले फ्लाइट हो वो कर दो, तो 5 बजे की मिली थी, फिर मैं आ गया। तो भाई फिलहाल मास्क मिल गया, और मास्क की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है मैं बाहर आ सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनेजर के अलावा किसी को भी नहीं पता है। आप घर पे नहीं बता सकते हो कि आप निकल चुके हो, जब तक उन लोगों को पता लगेगा तब तक मैं जो है कॉल कर दूंगी, फिर मजे करूंगी। तो भाई, मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ, और शॉपिंग करके आने के बाद अब मैं सोचू थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि सोऊंगे नहीं तो फिर फ्रेश कैसे उठूंगी, और फ्रेश उठने के लिए क्योंकि बहुत सारी मीडिया को इंटरव्यू देने हैं और बहुत सारी चीजें जो क्लियर करनी है। तो सबसे पहला मुद्दा जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है अरमान जी पे और गोलू पे बहुत सारे, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया क्यों किया क्यों किया। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जो हमारी लाइफ का जो भी कुछ था, जो बहुत बुरा टाइम था वो हमने देख लिया। अब साथ देखो, हमारी एक जो फैमिली है ना, उसमें ये तीन मेंबर, मैं, गोलू और अरमान, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आगे पीछे ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है, तो हम एक दूसरे के लिए माँ बाप है, बहन भाई है, पति पत्नी है, जो भी लगा लो आप। देखो, गोलू से गलती हुई थी, मुझसे भी गलती हुई थी कि मैंने क्लियर नहीं किया, मुझे उस टाइम ही रोकना चाहिए था या जो भी कुछ था, लेकिन अब जो कुछ है वो यही है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, अपनी फैमिली में। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। देखो, ऐसा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि एक आदमी की दो बीवियां हैं। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दो बीवियां हैं। अरमान एक पहला आदमी नहीं है जिसने दो शादियां की हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बता दूंगी कि बस यही है कि हम लोग जो है सोशल मीडिया पे आ गए, हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, हम लोगों के व्लॉग्स के उससे आप लोगों को पता है कि अरमान की दो बीवियां हैं। अदरवाइज इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने दो शादियां कर रखी हैं। तो भाई, बिग बॉस से निकलने के बाद ना आज जाके मेरी नींद पूरी हुई है, मैं सोई थी 2 बजे और अभी बज चुके हैं 9। तो भाई, हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि होटल का जो खाना है बहुत है महंगा, और इतना महंगा खाना मैं अफोर्ड तो कर सकती हूँ पर क्यों करूँ खर्चा। तो हमने सोचा मैं और धीरज भैया बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, और कुछ ना बातें मुझे अभी जैसे मैं बाहर निकली मेरे हाथ में फोन आया, तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिनके बारे में आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। लोगों ने प्रेस्क्रिप्शन क्या कहते हैं वो, एक वो बना लिया है अपने माइंड में कि ये लोग तीन है तीन है तीन है तीन है, पर आप लोगों ने हमारा पूरा जो है देखा होगा अभी तक, हम जितना भी मैं खेल के, हमने इंडिविजुअल खेला है, हमने मिलकर नहीं खेला है, हमारे थॉट अलग थे, हमारी सोच अलग थी पूरे इस सीजन में, जितना भी मैं एक हफ्ता निकाल के आई। तो गाइस, अभी अभी हम पहुंचे थे, क्या था नाम, क्रिश्चियन दरबार पहुंचे थे, पर यहाँ पे जो है वेटिंग बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा वेटिंग में वेट करके कोई फायदा नहीं है, कहीं और चलते हैं, जो बीच पे चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं और थोड़ा बीच पे घूम लेंगे, क्योंकि देखो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है होटल के अंदर बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ये हो रहा था कि फटाफट से अपने 4 बच्चों के पास पहुंचूं और उनके साथ रहूं जितना भी अब टाइम अरमान जी और कृतिका अंदर है।
दो बच्चों के साथ टाइम लू, क्योंकि जब मैं निकली थी ना बिल्कुल मेरा मूड बहुत ज्यादा अपसेट था, कोई था नहीं आसपास में, ना फोन था ना कोई था, तो वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। और अभी जो है बस ये है कि कल का इंटरव्यू फटाफट खत्म हो और मैं फटाफट अपने घर पहुंचू। तो भाई पहुंच चुके हैं शालीमार रेस्टोरेंट के अंदर और पहली बार आई हूँ लाइफ में मैं। अभी जहाँ हम गए थे वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, देखो खाने का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है टेस्ट मिलना चाहिए, तो टेस्ट आज यहाँ का टेस्ट करते हैं कैसा होगा। मैं पहली बार खा रही हूँ और भैया ने तो अपने लिए दो तीन चीजें मंगाई है, मैंने कहा मेरे को आदत होगी अब कम खाने की, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में भाई खाने का बड़ा पंगा था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बिग बॉस राशन में कोई कमी नहीं करते, वो प्रॉपर देते हैं, पर जो हमारी क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं होता आपके पास, आप सारा दिन वे ले रहते हो, जब कोई टास्क आएगा तो आप टास्क करोगे, वरना वहाँ कोई काम नहीं होता किसी के पास, तो क्या बार बार भूख लगती है, बार बार भूख लगती है तो कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो भाई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है, खाने की कोई कमी नहीं है, हर चीज की फैसिलिटी जो है बिग बॉस प्रॉपर देता है। पर वो ये कि इतने सारे लोग हैं, सबकी ख्वाहिश अलग है, सब अलग अलग खाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ना जो भूख है, अब देखो तीन रोटी, क्योंकि बनाने वाले सिर्फ हम दो थे, मतलब हेल्पिंग हैंड बहुत सारे थे, जैसे कृतिका है हमारी, शिवानी है, सना है, और हाँ उसके अलावा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, हम ही लोग थे। पर अभी दो तीन दिन से जो ड्यूटीज चेंज हुई थी तो हमारे लड़के भी फुल किचन में काम कर रहे थे, तो बस खाने की जो कमी, मतलब वैसे अपनी मनपसंद का खाना नहीं मिल पा रहा था, जिसको सबके मेजोरिटी से जो भी बन रहा था तो वो खा रहे थे। तो आप अपने मनपसंद का खाना मैं खाती हूँ। तो भाई बिग बॉस से मेरा सारा सामान जो है बाहर निकाल दिया है घर वालों ने, क्योंकि अब मेरा बिग बॉस में कोई काम नहीं है, तो मेरे होटल में अभी अभी जो है वहाँ की टीम सारा सामान लेके आई है, और दिखा दूँ सामान की। तो भाई ये सारा सामान है जो मेरा है, मेरा अरमान जी का जो सामान और कृतिका का जो यूज कर चुके हैं, जो घर भिजवाने वाला होता है वो मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी सारा। तो इतना सारा सामान अभी मुझे पैक करना है। तो भाई वालू ने जितना सामान दिया था वो मैंने एक लगेज में पैक कर लिया है, अभी जो है मेरे पास ये बचा है, अब इसका चेक करना है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अब मैं इसको खोलती हूँ और देखती हूँ क्या है। भाई वालू ने बहुत समझदारी की और मेरे सारे जूते चप्पल कपड़े A to Z जो भी मेरा वहाँ पड़ा था सब कुछ उसने पैक करके दे दिया, क्योंकि उसे ये होगा कि वहाँ पे घर पे जाके भी उसे काम आएगा। तो मेरे इसमें जिम के जूते हैं, बाकी जूते हैं, चप्पल है, सब भेज दिया उसने बहुत अच्छे से, और मेकअप नहीं भेजा और यहाँ से भी मेकअप चला गया। तो शुक्र है कि मैं जो है मेकअप ले आई थी थोड़ा बहुत, और मुझे ऐसा लग रहा है मेकअप ना मेरा बहुत गंदा हो रहा है इस वाले मेकअप से, क्योंकि ना ब्यूटी ब्लेंडर है ना ब्रश है, तो कोई बात नहीं चला लेंगे घर जाके सब मिल जाएगा। तो भाई सामान तो सारा पैक हो चुका है और नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चों से मिले बिगार, अब बिग बॉस हाउस से बाहर आ गई ना तो बच्चे पास में नहीं है ना बिल्कुल भी, मेरा दिल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाग के बच्चों के पास चले जाऊं और बस चारों बच्चों को बहुत सारी पप्पी करूं, क्योंकि बच्चे बहुत मिस कर रहे थे। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें बच्चे हमारी फोटो देख के मम्मी पापा किसिंग वगैरह कर रहे थे, तो सच में बहुत मिस कर रही हूँ बच्चों को। तो बैठे बैठे मुझे याद आ गई वापस बिग बॉस हाउस की, और याद आ गई अरमान जी की और कृतिका की, क्योंकि ये जो टाइम होता था ना तो हम लोग ऑलमोस्ट खाना खा रहे होते थे, और गोलू और अरमान दोनों ना अपने खाने में से बचा बचा के मुझे खाना दे रहे होते थे कि तुझे बार बार भूख लगती है तो अपने लिए एक रोटी रख ले, तू ये रख ले, तू वो रख ले। मैं वहाँ पे चावल ज्यादा नहीं खाती थी क्योंकि मुझे ये था कि पथरी का दर्द ना उठ जाए, तो मैं ज्यादातर प्रेफर रोटी करती थी, और वो अपनी रोटी में से मुझे रोटी संभाल के देते थे। सुबह अगर अंडा खा रहे हैं तो अंडा देते थे, गोलू क्योंकि वेज खा रही थी तो वो हमेशा पोहा या चीला खाती थी, वो अपने में से देती थी, वो मिस कर रही हूँ। और गाइस मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। एक पूल वाला सीन है जिसमें हम पूल में नहा रहे थे, अरमान जी गोलू एक्चुअली पानी हवा और ऊंचाई से बहुत डरते हैं, आप सबको पता है, आपको ये जितने भी लोग हमें देखते हैं उन सबको पता है। उसके बाद भी जब गोलू को पानी में उतार रहे थे अरमान जी, मैं खुद उतर रही थी, तो उस पे भी सवाल उठे कि गोलू को पानी में उतार रहे हैं, पायल अकेली खुद उतर रही है। तो आप सबको पता है अरमान जी मेरे में और गोलू में बिल्कुल फर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल फर्क नहीं करते हैं, इतनी बार मैंने अपने व्लॉग्स में बताया है, फिर भी ये सवाल उठ रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीज को समझो। कुछ ऐसी क्लिप्स होते हैं, देखो मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने देखा नहीं लाइव में कितना दिखाते हैं कितना नहीं दिखाते हैं, और ना ही मैं देखूंगी, जो मैं करके आई मैं वो नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने फेयर खेला है, मैंने सबके साथ, घर वालों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लास्ट में आते आते शिवानी से थोड़ी खराब हुई, क्योंकि शिवानी का आपने सबने देखा है, शिवानी ने कैसे विशाल के रोमान जी की लड़ाई कराना चाहिए, फिर पॉलमी और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, तो शिवानी ने ऐसी चीजें करी है। अब सब लोग कहते हैं बचपना है बचपना है बचपना है, तो मेरे हिसाब से वो बचपना नहीं है, क्योंकि देखो 22 साल या 23 साल की है वो, और वो अपने पूरे घर को खुद चलाती है,
खुद कमाती है, उसका पूरा परिवार, उसकी बहनें, उसकी मम्मी और जिस दिन का नाम लेती है सबको वो देखती है, वो हैंडल करती है, वो खर्चा चलाती है, वो आज के टाइम पे इतनी स्टैंड है। तो कोई भी बच्चा इतनी चीजें नहीं कर सकता, एक समझदार इंसान, एक समझदार लड़की ही कर सकती है। तो बच्चा कहना तो बंद करो। दूसरा, उसकी स्लैंग के लिए लोग बोलते हैं। तो देखो, मैं भी हरियाणा से, मैं चाहूं तो मैं भी वहां पे हरियाणा भाषा में बात कर सकती थी, मुझे बहुत लोग पसंद करते, पर मैं नॉर्मल हिंदी में बात करती हूँ। उसकी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करती है, पर अगर उसके व्लॉग्स में आप देखोगे तो वो व्लॉग्स में उसकी वही लैंग्वेज बहुत क्लियर समझ में आती है, पर वहां पे जो उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। देखो, हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के बारे में नहीं, पर वो जिस तरीके से, जिस हार्श तरीके से वो बोलती थी, अगर देखो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में प्यार से नहीं बोल सकते, प्यार से भी बोल सकते, लेकिन वो बहुत हार्श बोल रही थी। पहले शुरुआत में हमारा उससे बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत प्यार से हम रह रहे थे, मैं उसे अपनी चीजें भी देती थी, खाने के लिए भी देती थी, वो भी अपनी शेयर करती थी, पर जैसे जैसे गेम चलता रहा ना, उसने खेलना शुरू कर दिया। हम खेल नहीं रहे थे, हम एक परिवार की तरह रह रहे थे वहाँ, सबके लिए हम इक्वल करते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे मान के लिए नहीं। मैं दीप कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया, जय श्री श्याम और जय माता दी। और सुबह सुबह हमने चाय पी ली है, चिराग भी सुबह सुरा क्या पता क्या चिराग, चिराग ने भी सुरात ने लोग देखा था, वो उसका बिग बॉस देखा था, बोला पायल मामी दोबारा आ गई, माँ भाई में तो पहले ही पता था, वहाँ उसने दिखा रखी थी ना न्यूज में, तो पायल बार आ गई। गलत किया ऐसे आपस में, बाहर वाले ही तीन जने तो ऐसे ही इसने सेव कर दिए, तीन जने तो उसने तो बचा लिया, उस तरह से नहीं आता है सना से, सना सुल्तान को वो निकलती बना वाली कटती, वह तो सेव होगी, फिर लड़ गया वही तो स्ट्रॉन्ग पर्सन को निकाल दिया यार, बस वही है ना आजकल जिसका। इस बार तो मेरे को बेकार लगा है कसम से यार, सलमान होता ना तो बढ़िया था, जिसकी समझ में भी नहीं आती, मैंने बोल रहा की अनिल, और जो सलमान सर को दिखता है ना कि हाँ भी ये गलत है डिसीजन, या कुछ को रोक सकता है, इसी पर कईयों को रोक सकता है, पावर कौन इसके हाथ में भी तो पावर है, नहीं है ना अभी तो, फिर वही है ना किसने के कैसे कहा यार, बाहर वाला बनाने हमारे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, और जल्दी से जल्दी वोटिंग भाई। मैं तो कहता हूँ कि जो वो उनका कलर्स का वो है ना इंस्टा पे, उस पर भी आप नीचे जाके मैसेज करो कि हाँ भी पायल मामी को वापस बुलाने का करो, आओ तो होगी, मैंने तो नहीं लगा होगी, मैंने इतना पता है भाई दोबारा एंट्री कर मार सके यार, उन्होंने इतनी इतनी जान जान देखा हूँ वहीं पे पायल पायल हो रही है, क्योंकि ज़्यादा ही पायल की सपोर्ट ज़्यादा थी, नहीं लगा था भाई हाँ पायल ही जीत के आओगी, तो पता नहीं किस तरह की हो है पायल का बाहर निकाला गया, किस तरह नितिन निकाला था जीता था नितिन का, वही है ना किसी ने के कैसे कहा। नीरज भी ऐसे चले गए, नीरज भाई वो सुना भी तो कुछ नहीं, दो दिन में के देख लिया उन्होंने उसका, अरे बाहर वाले तो सब कुछ चल रहा है, बाहर वाला बना के बैठे हैं, कोई कुछ नहीं घर वाले में, उसमें बिग बॉस में जब तारा एंट्री ही नहीं है बाहर वाले की, तो फिर बाहर वाले किस तरह बना दी मैं, हमारी वोटिंग की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, फिर बाहर वोटिंग बंद कर दो, फिर हमारी वोटिंग करने का फायदा की है, घर वाले ने बचा लिया है, घर वाला ही आपको बता रहा है, फिर घर वाले ने फिर क्यों बढ़ रहा है, पता ही नहीं समझ में नहीं आता इसकी बात, तो घर वाला पीछे बिग बॉस में तो मना कर दिया, फोन भी लाउड नहीं थे बाहर वाले को, बाहर वाला बना दिया, घर बैठा हुआ उसको फोन अलाउड कर दिया, ऐसा कोई भी नहीं है कोई, मतलब इतने सीजन निकल के कोई ऐसा होता है बाहर वाले की खबर, और ना ही फोन अलाउड था इस बार, तो फोन भी दे दी है बाहर वाला बिठा दिया उनके बीच में, आए हफ्ता है बदल रहा है, तीन जनों को सेव कैसे कर सकता है भाई, तो फिर नहीं पता है ना, तो वो बता सना को, अरे ऊपर तो रहेगी फोन एक पायल आ रही एक वोट, चलो कटारिया के तो सेफ था इसे ही पता था, शिवानी दे शिवानी नहीं फाइल सेव कर दी कब के बाद, डिसीजन गलत था ये बहुत ज़्यादा, तो गाइस अरमान ने और कृतिका ने फाइल के जाकर नीचे सपोर्ट करो भाई, फाइल को दोबारा बुलाया जाए, फिर पता चलेगा ना ना, जियो सिनेमा जो इंस्टाग्राम पे पेज है ना, और उधर ट्विटर पे भी ट्रेंड चला दो, नीचे मैसेज कर दे मेरा मन कहा दोबारा जाऊंगा, देखो खेल होगा।